बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का मौसम है तो फ़्राइज़ खाने को किसका दिल नहीं करता। बैंगन के फ़्राइज़ जो है, ये मुंह अगर आप कहें तो ये सुनते ही अजीब सा लगता है कि बैंगन के फ़्राइज़, लेकिन हम बैंगन के फ़्राइज़ इस स्टाइल से बनाएंगे। आपको ये रेसिपी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप समझेंगे कि जो है ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। देखने में तो बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपी है, लेकिन अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इस तरह का एक बोल लेना है और जो है 100 ग्राम कीमा अपने उबाल के इस तरह इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, बीफ का कीमा है ये, मैंने लिया 100 ग्राम कीमा इसके अंदर डाल लेना है। और जो है एक दरमियाने साइज़ की छोटी सी प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल लेनी है। थोड़ा सा हरा धनिया ये इसके अंदर डाल लेना है। एक टमाटर है छोटा सा बारीक कटा हुआ, वो इसके अंदर डाल लेना है। दो हरी मिर्चें हैं छोटी सी दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई हैं, इसके अंदर डाल लेनी है। ठीक है, डालने के बाद हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है और काली मिर्च है और ये सूखा धनिया है, ये पांच मसाले हैं, ये इसके अंदर डाल लेने हैं। ठीक है, ये चार चम्मच हमने मैदा लिया है और एक आधा चम्मच जो है इसके अंदर हमने नमक का डाला है और एक अंडा जो है इसके अंदर डालेंगे और इसको फिर थोड़े से पानी के साथ जो है इसको हल कर लेंगे। तो ये जो है ये कीमे की डो तैयार की है हमने और ये वाला जो है ये मैदे और अंडे का महलूल तैयार किया है कोटिंग के लिए और ये जो है ये बैंगन है। ठीक है, आप दोस्तों के सामने आप इसे हम करने लगे हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पकड़ेंगे इस तरह और इस तरह इसके अंदर जो है कीमे को फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है ठंडे पानी के अंदर आपने जो है इसको रखना है बैंगन को और इस तरह कोटिंग करने के बाद जो है इस तरह मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है ताकि ये जले नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आपने दोस्तों के साथ शेयर इसे लाजमी करना है और इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, रब रखा।